नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश, और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने भोपाल स्मार्ट सिटी कार्यशाला को किया संबोधित। तकनीकी शिक्षा मंत्री वसुंधरा गुप्ता की अध्यक्षता में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर और उज्जैन की शासी निकाय की हुई बैठक। और पीएचई मंत्री कुसुम महदेले ने अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि भोपाल शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के हर संभव प्रयास हो रहे हैं। भोपाल देश का पहला स्मार्ट शहर होगा। भार्गव आज होटल नूर सभा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्चिंग कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मंत्री भार्गव ने कहा कि एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शहरों में विकास के नए आयाम रचने के लिए स्मार्ट सिटी की कल्पना की थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में होने वाले निर्माण कार्य किसी एजेंसी से नहीं स्वयं करवाएं। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने ये निर्देश शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन और जबलपुर की शासी निकाय की बैठक में दिए। गुप्ता ने कहा कि पुराने स्वीकृत कार्य पूरे होने के बाद ही नए कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यों का भुगतान समय पर करें। लेखा में अनियमितताओं पर दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज के लेखापाल को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज शनिवार को मुख्य अतिथि के रूप में दतिया के बड़ौनी तिराहा पर चल रहे गोविंद महुआ क्रिकेट ट्रॉफी का समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मनुष्य के जीवन में खेल का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे मनुष्य के शरीर का विकास होता है और शरीर लचीला और फुर्तीलापन हमेशा बना रहता है। चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ स्वास्थ्य के लिए बेहतर व्यवस्थाओं पर ध्यान दें। उपचार करने के साथ अस्पतालों में स्वास्थ्य के अनुकूल स्वस्थ पर्यावरण रखना भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। भोपाल संभाग आयुक्त एसबी सिंह ने आज कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यकल्प 2 के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में चिकित्सकों और पैरामेडिकल के स्टाफ से ये बात कही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। EMS TV की सारी खबरें पूरी वेबसाइट के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।